सुल्तारी साहब ने मेरी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। फिर मेरी कौन सी फिल्म की स्टोरी सुल्तारी साहब को अच्छी लगी और उसने मुझे गले से लगा ली। पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवार डायरेक्टर जिसका नाम था मोहम्मद अनवर कमाल पाशा, वो मेरे सगे बाप। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हिदायतकार की जिसका नाम था मोहम्मद कमाल पाशा साहब। कमाल पाशा साहब को आज 47 बरस गुजर गए हैं फिल्मों की कहानी लिखते हुए। कमाल पाशा साहब का ये भी कहना है कि आज मेरी 300 से लगभग फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी हैं। सबसे बड़ी खुशकिस्मती तो मेरी ये है कि मेरे दादा का नाम है हकीम शुजा और जो मेरे वालिद साहब थे बहुत ही मशहूर, उनका नाम था मोहम्मद अनवर कमाल पाशा साहब, और जिस वजह से मुझे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी इज्जत मिली। इसके बाद मैंने अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए 72 घंटे मेहनत की और इसके बाद मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आते ही 4 फिल्मों की ऑफर मिल चुकी। फिल्मों के नाम थे लेसंस, शीदा पस्तौल, डंका और सार्जेंट शामिल थी। और मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे प्यार करने वालों को ये सिर्फ पता है कि मेरी फिल्म में मेरे सीन कैसे होते हैं। मैं फिल्म हीरो पर नहीं लिखता, मैं फिल्म एक विलन पर लिखता होता हूँ, क्योंकि जो विलन होता है उसके भी रिश्ते होते हैं, उसकी भी बहन होती है, माँ होती है, इसलिए मैं फिल्म ज़्यादातर एक विलन पर लिखता होता हूँ। एक दिन ऐसा आया कि जो मुस्तफा कुरैशी साहब थे वो एक्स्ट्रा रोल कर रहे थे, तो मैंने मुस्तफा कुरैशी साहब को चांस देकर सुल्तारी साहब के सामने लेकर आया। तो इस फिल्म का नाम था लेसंस। तो जब ये फिल्म तैयार हुई तो राही साहब को लोगों ने कुछ बुरा भला कहना शुरू कर दिया। राही साहब को यहाँ तक भी कहा गया कि आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही। तो ये मुस्तफा कुरैशी साहब की फिल्म सुपर हिट हो गई और जो मुस्तफा कुरैशी साहब थे वो अरूज पर आ गए। राही साहब ने मेरी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। इस वजह से मेरे साथ सुल्तानी साहब बहुत सख्त नाराज हो गए। 2 के बाद मैंने एक हिदायतकार यूनुस मलिक साहब की फिल्म लिखी जिस फिल्म का नाम था वैशी गुज्जर। इस फिल्म का सुल्तानी साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि इसके जो राइटर हैं वो कमाल पाशा साहब हैं। फिल्म हिदायतकार यूनुस मलिक साहब की बहुत सारी सुपरहिट होगी और सिनेमाघरों में उन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया। एक दिन ऐसे ही सुल्तानी साहब और हिदायतकार यूनुस मलिक साहब हेवर न्यू स्टूडियो से बाहर आ रहे थे और मुझे उसने देखा और खुश होकर गले से लगा ली। ऐसी और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल अली हसन 5432 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो तक आप लोग बाखबर रह सकें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।